मेरा नाम क्षितिज है, क्षितिज मिश्रा, एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ। और मैंने जो फिल्में अभी तक बनाई हैं उसमें से कुछ फिल्में हैं, मेरी जो पहली फिल्म थी अवेदा, ये 2016 में जो उज्जैन में सिंहस्थ का मेला लगा था, ये उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी। बहुत एमेचर तरीके से बनाई थी, एक कैमरा लेके बस मैं कूद गया था सिंहस्थ के मेले में, और मैंने उसमें कुछ फुटेज शूट करी और फिर अलग से फिक्शन शूट किया। समझ रहे हो? सोचो अवेदा नाम क्यों रखा होगा, सोचो, तुम सोचो। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, समुद्र मंथन की कहानी कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं। तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि जब हम लोग किसी दुविधा में होते हैं तो एक तरीके से वो मंथन हमारे मन में भी होता है कि यार अच्छाई और बुराई में किस चीज को चुने, या जब हम थोड़ा ग्रे एरिया में चले जाते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कंफ्यूजन के मारे कि यार क्या करें। तो हमारी जो मतलब जितनी भी स्क्रिप्चर्स हैं या ये जो कहानियां हैं, ये सब ना मतलब इनका एक सिग्निफिकेंस है, और अगर आप इन सब का इंटरप्रिटेशन अपने तरीके से करोगे तो ये आपकी जो व्यवहारिक जिंदगी है इसमें भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो समुद्र मंथन की जो कहानी थी, कुंभ का मेला क्यों लगता है सबको पता है ना, जो अमृत गिरा था उस मंथन के दौरान, तो जहां जहां गिरा था वहां वहां भाई कुंभ का मेला लगता है। तो उज्जैन भी वैसी जगह, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उज्जैन से आता हूँ। तो एज अ फिल्म मेकर मतलब उस चीज़ ने मुझे बहुत फैसिनेट किया कि भाई मेरे शहर की जो इतनी बड़ी गरिमा वाली चीज़ है जिसके कारण मेरे शहर का विकास होता है हर 12 साल में, क्यों ना मैं अपनी पहली फिल्म उसी पे बनाऊँ। और तब मैं छोटा था, 2016 में मैं मेरे BSc के सेकेंड ईयर में था, और मैं अभी भी एक एस्पायरिंग फिल्म मेकर ही हूँ, स्टूडेंट ही हूँ, बट मैं बहुत फ्री हूँ, मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं, कि तुम ऐसे करो या तुम वैसे करो। तो क्या हुआ, जब मैं अवेदा बना रहा था तो मेरे को एक थॉट आया कि यार क्यों ना ये जो समुद्र मंथन जो है ये मैं एक बच्चे के दिमाग के अंदर दिखाऊं, साइकोलॉजिकल थ्रिलर थी वो, है ना। तो फिर मैंने एक ऐसी स्टोरी बुनी कि एक बच्चा है जिसके फादर ने बचपन में सुसाइड कर लिया, और हम सबके लिए जो हमारे फादर है वो हमारे हीरो होते हैं, है ना, और हम कभी भी अपने हीरो को हारा हुआ नहीं देखना चाहते। तो उस बच्चे ने एक स्टोरी बना ली कि मेरे फादर ने सुसाइड नहीं किया था, क्योंकि सुसाइड एक तरीके से हार का प्रतीक है। मैं मोटा मोटी बात कर रहा हूँ, मतलब एक एक तरीके से देखा जाए तो कई बार देखो कौन किस सर्कमस्टांसेस में क्या करता है हम नहीं बोल सकते, उस समय किसकी मानसिक स्थिति कैसी है, आदमी का मनोबल कैसा है उस समय, वो बहुत एक क्षणिक डिसीजन होता है ना। तो मैं किसी भी मतलब नकारात्मक तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, पर जनरली हम इसको ऐसे ही देखते हैं कि भाई वो थक गया था, हार गया था, इसलिए उसने जीवन में इतना कठोर कदम उठाया, है ना। सो मतलब द मेन प्लॉट वॉज कि दैट गाय वॉज नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड दिस फैक्ट कि भाई मेरे फादर ने सुसाइड कर लिया है। तो उसने कहानी बना ली अपने मन में बचपन में कि एक कोई काला साया था जिसने आके मेरे फादर को मार डाला। अब जब ये बच्चा बड़ा हुआ तो उसके फादर की लाइफ के जो डर थे, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो सकती है, पीयर प्रेशर हो सकता है, जो भी उसके डर रहे हों, वही डर इस बच्चे की लाइफ में भी आए। हम सबकी लाइफ एक जैसी होती है, तो धीरे धीरे वो जो काला साया था वो बड़ा होता गया। समझ रहे हो? यानी कि जिन कारणों के कारण उसके फादर के ऊपर प्रेशर आया था, वही कारण जब इसकी लाइफ में आए तो ये डर गया। अब इसको समझ में नहीं आया क्योंकि इसका हीरो तो फेल हो गया था, तो ये क्या करे। और ये जो बंदा है ये उसमें एक मतलब उस फिल्म में एक फिल्म मेकर का ही रोल कर रहा है, वो एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, तो वो कुंभ के मेले में आया हुआ है। तो जब वो वहां अलग अलग ऋषियों से मुनियों से मिलता है, इस पूरे मेले को देखता है, और जब समुद्र मंथन की कहानी को समझता है, तो उसको एहसास होता है कि भाई ये जो अच्छाई और बुराई का जो युद्ध है ये हमेशा से हो रहा है और इस दुनिया में भी हमेशा चलता रहेगा। ये मेरे ऊपर है कि मैं इस युद्ध में क्या करता हूं। पर अगर मैं भगवत गीता पढ़ूंगा ही नहीं, मैं कृष्ण की शिक्षा लूंगा ही नहीं, तो मैं डिसाइड कैसे करूंगा कि मुझे क्या करना है, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं सही हूं या गलत हूं। समझ रहे हो? तो फिर वो समुद्र मंथन को समझता है, और वो जो काला साया था जो उस पर हावी होता जा रहा था, उसको ऐसे सपने आते थे जैसे किसी बच्चे को कोई मार रहा है, उस बच्चे को कोई मार डालेगा, कुछ होगा, और वो बच्चा ऐसे बुला रहा है कि यार मुझे बचा लो।
और जो बच्चा था वो कोई और नहीं था, वो इसका बचपना था, है ना। फिर कैसे शिव जी ने जो उन्हें नीलकंठ क्यों बोला जाता है, विष धारण किया था, तो कैसे वो बचपना। अब आप सब ये चीज सोचना बहुत ध्यान से कि मंथन में शिव जी ने वो विष धारण किया था इसलिए उन्हें नीलकंठ बोला जाता है। तो हमारा जो बचपना होता है ना उसमें बहुत ताकत होती है, हमारे अंदर जो बच्चा होता है उसमें बहुत ताकत होती है, पर हम सब क्या हद से ज्यादा बड़े हो जाते हैं और उस बचपने को पीछे छोड़ देते हैं। तो जब भी हम मुसीबत में होते हैं ना बहुत ज्यादा सोचते हैं क्या करेंगे कैसे करेंगे, लोड ज्यादा लेने लग जाते हैं। पर वहीं एक बच्चे को उस मुसीबत में डाल दो, उसके लिए वो कई बार ऐसे ऐसा खेल होता है, अरे यार उसने मुझे मारा, ये किया वो किया ऐसा किया, कोई बात नहीं ठीक है सॉरी बोल दो, हट जाओ तुम उसे मार दो, थोड़ा सा उसका ध्यान रख लो, क्योंकि एक बच्चा कभी भी उतना हिंसक नहीं होगा कि वो किसी की बुराई चाहे या वैसा कुछ करे, है ना। तो हमारे अंदर का जो बचपना होता है अगर हम उसे इंटैक्ट रखें तो हम बहुत सारी परेशानियों से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। देखा है ना जो बच्चे होते हैं अगर क्रिकेट भी खेल रहे हैं, सामने से 100 रन का भी लक्ष्य मिल गया तो वो बैटिंग करते रहेंगे, उनके दिमाग में पहले ये डर नहीं आएगा गुरु और 100 रन कैसे बनाऊंगा, हमारे मन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया ज्यादा देखने लगते हैं, दुनिया को हमारे ऊपर हावी होने देने लगते हैं। तो उस फिल्म में वो जो द्वंद्व है वो दिखाया है, और फिर वो जो उस लड़के का जो बचपना है वो कैसे अपने बचपन के पछतावे के जहर को पी जाता है, ये उसकी कहानी है। और फिर वो नागाओं की जीवन शैली को देखे, जो नागा साधु होते हैं वो अपना पिंड दान कर देते हैं, और मैंने नागाओं पे मतलब फोटोग्राफी में मेरा इंटरेस्ट नागाओं के कारण ही आया था, मैंने उस मेले में नागाओं के काफ़ी सारे फोटोज़ वगैरह लिए। फिर मैं अलाहाबाद कुंभ भी शूट करने गया, जो प्रयागराज में अर्धकुंभ लगा था 2018-19 में, मैं वो भी शूट करने गया, वहाँ पे भी मैंने एक फिल्म बनाई डॉक्यू कुंभ। तो मुझे नागाओं की नागाओं मतलब नागा साधुओं का जो जीवन है, मैं असली नागा साधुओं की बात कर रहा हूँ, मैं किसी फेक उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि आजकल क्या है साधुओं के नाम पर बहुत सारे, और ये हर चीज़ में हो गया है, मतलब आप कहीं भी देखो तो जो ओरिजिनल चीज़ है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन जो असली ताकत है वो ओरिजिनल चीज में है, है ना। तो नागाओं के जो असली सिद्धांत हैं जब आप उन पे गौर करोगे तो मतलब वो ऐसे लोग हैं वो जीते जी अपना पिंडदान कर देते हैं। हम पिंडदान किसका करते हैं? जो मर जाता है। तो वो अपने पिछले जीवन को त्याग देते हैं और एक पुनर्जन्म लेते हैं। ये किस चीज का सिंबोलिज्म है कि भाई जीवन में कभी भी परेशानी हो ना तो उस परेशानी से उभरो, उस परेशानी को पीछे छोड़ दो, वो जो हो गया उसको मार दो और आगे बढ़ो, मतलब अपने अंदर इतनी ताकत रखो, है ना। तो वो लड़का ये सब चीजें समझता है मेले के थ्रू, फिर वो अपने डर से लड़ता है और फिर वो कैसे उस चीज को पार करता है, ये उसकी कहानी थी। पर उस समय बजट बहुत कम था, बहुत सारे यू नो लिमिटेशंस थे, तो भी जो मैं जैसा उसे बना पाया मैंने उस फिल्म को कंप्लीट किया। साउंड कैसे रिकॉर्ड करते हैं थोड़ा बहुत वो सीखा, भाई शटर स्पीड क्या होती है, अपर्चर क्या होता है, ISO क्या होता है, ये सब सीखा, पहले मुझे नहीं पता था, है ना। अलग अलग लेंसिंग क्या होती है, फ्रेमिंग क्या होती है, वाइड शॉट क्या होता है, मिड शॉट क्या होता है, क्लोजअप क्या होता है, टेली यूज करूंगा कंप्रेशन आएगा, क्या मजा आएगा, बुके इफेक्ट क्या होता है, वो सब सीखा, है ना। तो उस फ्रेम रेट क्या होती है ना, उससे क्या फर्क पड़ता है फिल्म पे, तो ये सब चीजें उस फिल्म के कारण मैंने सीखी। और फिर जब वो फिल्म बनी तो कुछ कुछ जगह मैंने दिखाई, कुछ लोगों को दिखाई, तो सबका फीडबैक वही रहा कि हाँ भाई ये दिख रहा है कि किसी बच्चे ने बनाई है पर फिल्म की कहानी आ रही है, सामने आ रही है। तो उस फिल्म का एक डायलॉग है कि इसको अपने अपने तरीके से समझ के सोच के देखना, मतलब जो राइटर थे उन्होंने लिखा था कि और बताना कैसा लग रहा है, पिंजरे में कैद एक पंछी जानता है कि वो कभी आजाद नहीं हो सकता, पर उसका मालिक कभी कोई ऐसी गलती जरूर करेगा कि पिंजरे का दरवाजा खुला रह जाएगा और वो पंछी उड़ जाएगा, पर ये बस एक उम्मीद है। तब क्या करोगे जब वो मालिक भी तुम हो, वो पिंजरा भी तुम हो और वो पंछी भी, अब आजादी कहां ढूंढोगे। समझ पा रहे हो? सरल भाषा में बोलें तो मौके आएंगे, पर उन मौकों को हमें पहचानना होगा कि हम कब आजाद हो सकते हैं, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है ना। और वो कैसे होगा, हमारे लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, हम अपनी लाइफ में क्या पढ़ रहे हैं, हम अपनी लाइफ में किससे बात कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ में क्या देख रहे हैं,
हम कौन सी कहानियां सुन रहे हैं, हम किन बातों पे ध्यान दे रहे हैं, समझ रहे हो? इन सब चीजों से वो होता है। तो ये तो यार कहानी हो गई अवेदा की। अब अवेदा के बाद मैंने एक फिल्म बनाई कठपुतली, जिसको एक मतलब फिल्म फेस्टिवल बोल लो या फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन बोल लो, 72 आवर्स का एक फिल्म मेकिंग कॉम्पिटिशन था, प्रेस्टीज कॉलेज है इंदौर में, वहाँ पे कॉम्पिटिशन हुआ था। तो उसमें इस फिल्म को बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड मिला था। तो हमें 72 घंटे में एक थीम दी गई थी, उस पर हमें एक फिल्म बनानी थी। तो मेरी एक टीम थी छोटी सी, मतलब मेरे दोस्त थे, मैं था, मेरा एक फ्रेंड है हसन, वो था, एक और फ्रेंड है अदिति, चिराग, ऐसे करके हम 4-5 लोग थे। हम लोगों ने वो फिल्म बनाई, वो फिल्म वहाँ जीती। तो उससे थोड़ा सा और बूस्टअप मिला कि अरे यार स्टोरी टेलिंग कुछ होती है ना। फिर मैंने एक फिल्म बनाई द 3 पॉज, वो अभी मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि उसका फुल रेजोल्यूशन में मेरे पास वो नहीं था, अच्छा प्रिंट नहीं था ऐसा बोल लो, बट वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। एक बहुत पुराना सा चैनल है हम लोग का, सेंटा कॉर्नर फिल्म, बहुत एक्टिव नहीं है, बट उस पर तुम लोग वो फिल्म देख सकते हो, ठीक है। फिर मैंने एक फिल्म बनाई यत्र तत्र, ये लास्ट टू लास्ट ईयर पुणे शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट हुई थी, वहाँ स्क्रीन हुई थी, और एक दो फेस्टिवल्स और थे जहाँ पे स्क्रीनिंग मिली थी। 3 पॉज भी उज्जैनी फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हुई थी। उसके बाद फिर मैंने मतलब डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। सेवा भारती का नाम सुना है? एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए, सेवा भारती उज्जैन में मैंने, हाँ, तो वहाँ पे उन लोगों के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। ये लोकल लेवल पे ही काम किया मैंने, क्योंकि अपने घर से काम शुरू करना सबसे अच्छी बात होती है ऐसा मुझे लगता है। भाई हर कोई तुरंत मुंबई भाग जाएगा तो क्या, मुंबई में वैसी सोने की जगह है नहीं, तो काम कैसे करोगे, है ना। फिर मैंने, अब देखो फिल्म बनाना कोई आसान चीज़ या कठिन चीज़ वाली बात नहीं है, पर ये फैक्ट है कि फिल्म मेकिंग में पैसा लगता है ना। तो अब वो पैसा कहाँ से लाएं? तो मैंने वेडिंग शूट करना शुरू करी, शादियाँ शूट करना शुरू करी, क्योंकि मुझे मेरी फिल्म बनानी थी, है ना। तो मैंने सबसे पहली वेडिंग, मैंने, हम लोग सिनेमैटिक फिल्म्स बनाते थे, जो आजकल बहुत एक ट्रेंड है ना, खच 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 खच, जुब जुब जुब, एकदम दुल्हन की शक्ल दिखी भी नहीं और काट दिया, है ना, ट्रांजिशन डाल दिया, जिप जैप जूम। मैं उसके बहुत अगेंस्ट था, बट मैंने सबसे पहले वही बनाया। फिर वो वेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया, बट क्योंकि मैं फिल्म मेकिंग और वेडिंग्स वगैरह ये सब मिक्स कर रहा था, तो मेरे क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा डीले फेस करना पड़ा कामों में, तो उसके कारण मेरी नेगेटिव माउथ, मतलब पब्लिसिटी हुई। बट क्योंकि मेरा काम ठीक ठाक था तो मुझे और ऑर्डर्स मिलने लग गए, तो उज्जैन में एक थोड़ा सा बेस बन गया। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने बीकानेर में भी शूट किया, हम लोगों ने नोएडा में भी शूट किया, बाहर भी, मतलब ऐसे करके थोड़ा सा एक वो हल्का सा बिजनेस चल गया। फिर मैंने एक कंपनी है क्रिएटिगो, ये स्टॉक फुटेज बनाती है। स्टॉक फुटेज समझते हो आप लोग? शटर स्टॉक कभी नाम सुना है? है ना? हाँ, मतलब ऐसा समझ लो कि शटर स्टॉक बेसिकली एक लाइब्रेरी है, जहाँ पे जैसे तुमको, मान लो तुम्हें तुम्हारे कॉलेज में कोई फंक्शन करना है जिसमें तुम्हें दिल्ली का कोई फोटो चाहिए ऐसी डिस्प्ले पे लगाने के लिए, तो क्या दिल्ली जाओगे फोटो खींचने? नहीं। गूगल करोगे, मान लो लाइसेंसिंग चाहिए, अब क्या करोगे? तो तुम शटर स्टॉक पे जाओगे, कुछ एक छोटा सा अमाउंट दोगे और वो फोटो खरीद लोगे। सो दैट इज अ स्टॉक इमेज, है ना, जिसको आप कहीं यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही इंडिया बेस्ड स्टॉक वीडियोज बनाती है क्रिएटिगो। तो ये कंपनी एज अ सीनियर एडिटर, मतलब एज अ एडिटर मैंने ज्वाइन करी थी, उसके पहले मैं इन लोग के साथ एज अ फ्रीलांसर काम कर रहा था, पुणे बेस्ड कंपनी है। फिर मैंने कुछ समय तक उनके साथ काम किया, फिर मैंने वो कंपनी वापस एज अ एडिटर, मतलब एज अ फ्रीलांसर ज्वाइन कर ली, क्योंकि मुझे मेरी फिल्मों पे भी काम करना था। तो वेडिंग्स हुई, डॉक्यूमेंट्रीज हुई, और फिर एक जॉब एक्सपीरियंस हो गया। तो यहाँ से मेरा थोड़ा सा और बूस्टअप मुझे मिल गया कि हाँ भाई मैं, और जब क्रिएटिगो में काम कर रहा था तब इंडस्ट्री के बहुत अच्छे अच्छे लोगों से बात करने को मिला, और तब समझ में आया कि अच्छे मेंटर्स की वैल्यू क्या होती है। मेंटर मतलब समझते हो, जो हम बोलते हैं ना गुरु, और गुरु शिष्य परंपरा हिंदुस्तान में तो हमेशा से बहुत वो रही है। तो एक सही गुरु चुनना कितना जरूरी है, वो मुझे क्रिएटिगो में समझ में आया। वहां पे मैंने सही तरीके से इंस्टिंक्टिव एडिटिंग क्या होती है, आपको कब पता चलता है कि इट्स अ गुड कट और अ बैड कट। आजकल भाई एडिटिंग के नाम पे लोग क्या समझते हैं, वीडियो को यहाँ काट दो, यहाँ ये कर दो, है ना, उसको कलर ग्रेड कर दो, बहुत अच्छा। बट असल में एडिटिंग क्या है? असल में एडिटिंग है कि एक वीडियो को, 4-5 वीडियोस से आपने एक स्टोरी बोली और वो स्टोरी ऑडियंस तक पहुंची, तो वो काटना छाटना इस तरीके से कि वो कहानी जैसी आप चाहते हो वैसी ही ऑडियंस तक पहुंचे, वो एडिटिंग का असली। एक एडिटर पूरी फिल्म को बदल सकता है,
एक एडिटर पूरी फिल्म का पता चलता है तुमको, एक मर्डर मिस्ट्री बतानी है ठीक है, अब तुमने एडिट में पहले ही शॉट डाल दिया मर्डर कौन कर रहा है, कौन देखेगा यार तुम्हारी फिल्म आखिर तक, मिस्ट्री खत्म है ना। तो ऐसे करके वहां पे काम हुआ। अब इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग क्या होती है, तो उसके पहले तुम ये समझ लो, कोई भी फिल्म मेकिंग हो गया, थिएटर हो गया, म्यूजिक वीडियोस जो हम देखते हैं, इन सब में ना स्टोरी टेलिंग होती है। स्टोरी टेलिंग क्या है, तुम लोग आपस में जो एक दूसरे से बात करते हो, क्या करते हो, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हो ना। आज से 30-35 हजार साल पहले भी लोगों ने यही किया। अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे, कई ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे रॉक पेंटिंग्स मिलती हैं, चट्टानों पे पेंटिंग्स मिली हुई मिलती, वो क्या है, उस समय के लोगों ने कुछ संदेश दिए इन फॉर्म ऑफ स्टोरीज, ताकि वो आने वाली जनरेशन तक पहुंचे। तो स्टोरी टेलिंग बेसिकली आज के जमाने में अगर हम ऐसे सरल भाषा में बात करें तो विचारों का आदान प्रदान है। वो जरूरी क्यों है, क्योंकि दिमाग बहुत भूखा होता है। स्टोरी टेलिंग इज अ साइकोलॉजिकल नीड, ये कोई ऐसी हवे वाली बात नहीं है। बिना कहानियों के तुम जिंदा नहीं रह सकते, और बिना आर्ट के भी तुम जिंदा नहीं रह सकते। तुम बहुत सारा पैसा कमा रहे हो, क्यों, अच्छा देखने के लिए, अच्छा सुनने के लिए, अच्छा खाने के लिए, अच्छा रहने के लिए, अच्छा पीने के लिए। अच्छा खाना बनाना भी एक आर्ट है, अच्छा घर बनाना भी एक आर्ट है। अच्छे घर का मतलब बड़ा घर नहीं होता, एक बहुत सुंदर आर्टिस्ट एक छोटे से कमरे को भी बहुत सुंदर बना सकता है, और वहीं एक नॉर्मल आदमी एक 2000 स्क्वायर फीट के घर को भी बहुत अच्छा नहीं बना पाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए आर्ट की बहुत ज्यादा वैल्यू है। तुम लोगों ने देखा होगा कई बार हम लोग देखते हैं कि सेब और संतरे की भी इतनी सुंदर फोटोज खींचता है इंसान, कैसा मन करता है अरे यार अभी खा लो, है ना। तो ये एक आर्टिस्ट ही कर सकता है, और तुम सब में कहीं ना कहीं अभी वो पोटेंशियल ही, तुम लोग बडिंग आर्टिस्ट हो, तो तुम लोग अगर अभी अपनी सही कॉलिंग को पहचान लो तो तुम लोग कुछ बहुत तगड़ा कर सकते हो। अब ये वर्कशॉप अपन क्यों कर रहे हैं, पूछ रहा हूं क्यों कर रहे हैं, क्या लग रहा है, नॉलेज के लिए, बिल्कुल। तो देखो नॉलेज तो यार ऐसा है, आज के जमाने में गूगल से ज्यादा कोई दे नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीजें जो गूगल तुम्हें मुझसे बेटर बता सकता है, मैं तुम्हें यही बताऊं डीओपी क्या होता है, एडिटर क्या होता है, स्क्रीन राइटर क्या होता है, स्क्रीन प्ले क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर क्या होता है ना, फिल्म मेकिंग की हायरार्कीज कैसी होती हैं, सेट्स पे क्या होता है, कौन सी लाइट्स होती हैं, सोलर क्या होती है, 5K क्या होती है, ये सब तुम गूगल से भी सर्च कर सकते हो। तो अभी मैं कहीं नहीं पहुंचा हूं, तुम और मैं एक ही लेवल पे, ये फैक्ट है। बस फर्क इतना सा है कि मैंने कुछ फिल्में बना रखी हैं, इसके ज्यादा इससे अलावा कोई डिफरेंस है ही नहीं। मैं भी फिल्म मेकिंग पढ़ रहा हूं, तुम भी शायद फिल्म मेकिंग पढ़ोगे, और आज जो भी बड़े बड़े फिल्म मेकर्स हैं ना, जिन्हें हम बड़ा फिल्म मेकर बोलते हैं, अगर तुम उनसे भी बात करोगे तो वो ऐसा नहीं समझते कि कोई उन्होंने कुछ कर लिया है। तुम उनसे बात करोगे, इतने व्यवहारिक और इतने ज्यादा हम्बल लोग होते हैं। मैं अच्छे आर्टिस्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ से मिला हूं, मैंने देखा है, सहजता है ना। तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ मैं अपना एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, तुम खुद सोचो, बॉम्बे में रहने वाले लोग बॉम्बे की कहानियां बताएंगे बहुत अच्छे से, समझना इस बात को गौर से, जो साउथ बॉम्बे में रह रहा है वो उस क्राउड की कहानी बहुत अच्छे से बता पाएगा, है ना। पर अगर झांसी की कोई कहानी कहनी है तो कौन कहेगा, वो कहेगा क्या, समझ रहे हो, एक अलग वर्ग की अगर कहानी कहनी है तो वो कहेगा क्या, नहीं। आज ये हो रहा है क्योंकि एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है। एक्सेसिबिलिटी कैसे बढ़ गई है कि आज कैमरा बहुत इजीली मिल जाता है, माइक बहुत इजीली मिल जाता है, लेंसेज बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो अब तुम लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे मौके हैं कहानियां कहने के। यार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री साल में कितनी फिल्में बनाती है, तुम सोचो उसमें से कितनी फिल्में हिट होती हैं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना। क्या तुम हर फिल्म के लिए 200-250 रुपए खर्च करके थिएटर में देखने जा रहे हो। ज्यादा से ज्यादा अगर हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री क्या, तुम पूरे इंडिया की फिल्मों की भी बात ले लो, तो जितनी फिल्में बनती हैं और जितनी फिल्में सक्सेसफुल होती है, अगर वो रेशियो दोगे तो वो बहुत अजीब सा रेशियो है। नंबर ऑफ सक्सेसफुल फिल्म्स आप मतलब दे आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ टोटल फिल्म्स व्हिच आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड। तो कुछ तो गलत हो रहा है ना। देखो क्या है ना, ऑडियंस को अपनी मत दो, उनकी भी तो सुनो, उन्हें क्या चाहिए वो भी तो देखो। भाई तुम कितनी बार देखोगे कि सिक्स पैक एब्स बहुत अच्छे बना लिए, बन गए ना, नहीं चाहिए मुझे।
नहीं चाहिए मुझे, मैं अपने काम से अपनी सोच से इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि कल को कोई लड़की पसंद आएगी तो बोलूंगा सुनो पेट बढ़ा हुआ है पर मन से अच्छा हूँ, समझ रहे हो। फिर वो बोली कि नहीं यार मुझे फिट इंसान पसंद है, मैं बोलूंगा हाँ तुम्हें फिट इंसान पसंद है बहुत अच्छी बात है, वैसे भी फिट होना चाहिए, मोटापा कोई अच्छी चीज थोड़ी है। पर मैं ये हो रहा क्या लग रहा बहुत सिक्स पैक मेरे को ही चाहिए, अरे नहीं हो पाएगा ब्रो, फिट रहना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, फिटनेस नहीं तो कुछ भी नहीं। हेल्थ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि उसको आप एक बार वो बिगड़ गई तो आप उसको वापस रिकवर नहीं कर सकते। पैसा आ जाएगा, इज्जत आ जाएगी, रुतबा आप कमा लोगे, पर हेल्थ को आप कभी वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब अपन स्टोरी टेलिंग पे वापस आते हैं। तो 30-35 हज़ार साल पहले स्टोरी टेलिंग शुरू हुई, लोगों ने आपस में विचारों का आदान प्रदान करना शुरू किया। अब आज के ज़माने में अगर आप देखोगे तो क्योंकि फिल्म मेकिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो गई है तो अब ये मार्केट और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। तो किसे फिल्म मेकिंग करनी चाहिए, किसे फिल्म मेकिंग नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस रहा मैं वो बताता हूँ। देखो अगर तुम्हें बहुत जल्दी पैसा कमाना है तुम्हें फिल्म मेकिंग नहीं करनी चाहिए, चांसेस हैं तुम कमा लो, चांसेस हैं तुम नहीं कमा पाओगे। अगर तुम्हें फेम चाहिए ठीक है तो तुम्हें फिल्म मेकिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब ये और ये चीज़ें मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें सिर्फ ये सब चाहिए ठीक, अगर तुम्हें सिर्फ फेम ग्लैमर ये सब पसंद है तो तुम्हें फिल्म मेकिंग नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस की कमी है, तुम्हें इस चीज़ से फर्क पड़ता है अरे यार मेरे दोस्त का इतने लाख का पैकेज लग गया मैं क्या कर रहा हूँ, तो तुम्हें फिल्म मेकिंग नहीं करनी चाहिए। अगर तुम अपने ईगो को साइड में रख के एक्सेप्ट कर सकते हो कि अपनी फिल्म बनाने के लिए मुझे कल को कोई शादी शूट करनी पड़ेगी जिसमें हो सकता है दूल्हा का फला ताया मुझे बोल दे ये लड़के इधर आ हमारी फोटो खींच, अगर तुम इस एक्सेप्टेंस के साथ जी सकते हो तो फिल्म मेकिंग करो, अगर ये एक्सेप्टेंस नहीं है तो फिल्म मेकिंग मत करो। सहनशीलता ठीक है, लाइफ में पैसे के बिना बहुत सारे संकट झेलने पड़ेंगे, अगर इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो तो फिल्म मेकिंग करो, अन्यथा मत करो। ये मैं प्रैक्टिकल रियलिटीज बता रहा हूं तुम्हें ठीक। हो सकता हो कल को जो इंसान तुम्हें पसंद है बहुत समय से उसके घर वाले तुम पे प्रेशर डालें, क्योंकि हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जो थोड़ी सी कभी कभी पिछड़ी बातें कर देती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, पर किसको फिल्म मेकिंग करनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, जो बहुत स्ट्रांगली अपनी कहानियां कहना चाहता है ठीक, जिसके पास एक वॉइस है, जो सोचता है कि हाँ मेरे पास कुछ ऐसे थॉट्स हैं, कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिससे मैं समाज का भला कर सकता हूँ या किसी को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी होना, अपनी वॉइस होना, अपने विचारों को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करना ठीक है, उनकी कदर करना बहुत जरूरी है, और जो ये कर सकता है उसे फिल्म मेकिंग करनी चाहिए। तुम पूरे दिन बैठे हुए हो, बारिश हो रही है, तुम्हें वो एक शॉट चाहिए, तुम्हारी पूरी यूनिट वेट कर रही है तुम्हारे साथ, तुम उन्हें पैसे नहीं दे पा रहे हो पर तुम्हारा पैशन उनका पैशन एक लेवल पे है तो तुम उस शॉट के लिए 24 घंटे बिताओगे और फिर वो तो शॉट तुम्हें मिलेगा। अगर वो शॉट तुम्हें खुशी दे रहा है तो तुम फिल्म मेकिंग कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, फिर वो शायद तुम्हारे लिए नहीं है। तो ये सब एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दिमाग में रखना, जिसको भी फिल्म मेकिंग करनी हो इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बैठना, और लाइफ में दो लोगों के वैलिडेशन के अलावा तुम्हें किसी का वैलिडेशन नहीं चाहिए, एक तुम्हारी माँ दूसरे तुम्हारे बाप। सामने कृष्ण है फिर मैं ये प्रश्न करूं तो ये मेरी मूर्खता है, पर सामने कोई अनजान व्यक्ति जिसको मैं जानता नहीं हूं, जिसका काम मुझे पता नहीं है, मैंने यहाँ आके पहले क्या किया, मैंने तुम्हें बताया मैंने क्या क्या किया है, मेरे एक्सपीरियंसेस क्या है भाई, तब तो तुम मेरी सुनोगे। वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि कई बार मन में प्रश्न आते हैं क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो उस समय तुम्हें बहुत सारे लोग आंसर देंगे, जो तुम्हारे सीनियर्स हैं वो आंसर देंगे, जिन लोगों को तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है वो आंसर देंगे, सब कुछ होगा है ना। बट वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि यार मैं फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ बहुत समय हो गया कुछ हो नहीं पा रहा, अब आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं ये किससे पूछूं, तब माँ बाप का एक्सपीरियंस काम आएगा। अरे यार मैं ये कर रहा हूँ सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, तो सोसाइटी की भाड़ में तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उस पर ध्यान दो, अगर उन्हें भी ये इनसिक्योरिटी है कि तुम क्या करोगे तो फिर उन्हें कुछ करके दिखाओ, कुछ नहीं तो एक मोबाइल से एक शॉर्ट फिल्म बना के दिखाओ कि देखो मैं ये करना चाहता हूँ इसलिए करना चाहता हूँ, वो मानेंगे अगर तुम्हारा प्रयास सही में वैसा होगा। भाई देखो हो सकता है कई लोगों के फैमिली मेंबर्स ऐसे हो जिनको पता ही नहीं हो फिल्म मेकिंग क्या होती है, हो सकता है तुम्हारा बैकग्राउंड ऐसा हो कि उन्हें समझ नहीं आ रहा हो कि भाई ये क्या नई चीज़ करने जा रहा है। आज यूट्यूब के ज़माने में, OTT के ज़माने में, भाई इस ज़माने में तुम जी रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा की एजुकेशन, तुम्हारे मम्मी पापा का बैकग्राउंड जरूरी नहीं ना कि तुम्हारे जैसा हो,
पर क्या बिना उनके सपोर्ट के, क्या बिना उन्हें अपनी साइड लिए तुम दुनिया से लड़ाई लड़ सकते हो? नहीं। तो अपने मम्मी पापा को अपनी टीम में लेना बहुत जरूरी होता है। कई बार हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा अगेंस्ट जाना पड़े, पर उस चीज का फिर एक तरीका रखना। माँ बाप से अड़ के कभी कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हारे माँ बाप सही हैं तो। भाई कई लोगों के पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स हैं, देखो भगवान नहीं है, पेरेंट्स भी इंसान हैं, उन्हें इंसान की तरह ट्रीट करना बहुत जरूरी है। उन्हें किसी पेडिस्टल पे ऐसे मत रख दो कि उन्होंने जो बोल दिया वो ब्रह्म वाक्य हो गया। मैं नहीं बोल रहा, पर हाँ हो सकते हैं, हो सकता है, विचारों में मतभेद हो सकता है, मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो अब अपन नैरेटोलॉजी पे आते हैं, जो मैंने बताया था नैरेटिव वाली चीज। तो भाई न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? तो वो ये बोलता है कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। वेयर द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 एनएम स्क्वायर पर केजी स्क्वायर व्हिच इज दैट फोर्स व्हिच इज बिटवीन बॉडीज ऑफ मासेस 1 केजी एंड आर कैप्ट एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, अभी जो मैंने किया उसको बोलते हैं रट्टाफिकेशन। ठीक है, फिल्म मेकिंग में रट्टाफिकेशन वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि जो चीज किसी ने कर दी है, रिक्रिएशन इज नॉट क्रिएशन। आप टिकटॉक पे क्या कर रहे हो? आप टिकटॉक पे किसी के गाने पे उसी का स्टेप वापस कर रहे हो, आप उसको एंटरटेनमेंट मान रहे हो, तो वो एक लिमिटेड ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट है, या एक बहुत बड़ी ऑडियंस के लिए चलो एंटरटेनमेंट है, बट क्या वो सृजनात्मक क्रिया है? नहीं, वो एक रिक्रिएशन है। उसमें सही गलत की बात नहीं हो रही अभी, पर तुम्हारी जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, वहां क्रिएटिविटी काम नहीं आ रही है। वहां तुम्हारी जो स्किल्स हैं, तुम बहुत अच्छी एडिटिंग कर सकते हो, तुम बहुत अच्छा डांस कर सकते हो। हर चीज को पॉजिटिवली लेना चाहिए। देखो, बदलाव को पॉजिटिवली लोगे तो जीवन में सुखी रहोगे। अभी लोग डर रहे हैं AI क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ये वो ऐसा वैसा, क्या करोगे डर के? आ गया है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब बना था तो दुनिया खत्म, आ गया ना, इतने सालों से है ना, रखा हुआ है। टेक्नोलॉजी को हमेशा वेलकम करो, ठीक, उसके फायदे देखो, उसके साथ आगे बढ़ो। तो रिक्रिएशन काम नहीं आएगा। फिल्म मेकिंग करनी है तो क्रिएटिव बनना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब इससे बात आती है थॉट की। फिल्म मेकिंग कैमरे से, एडिटिंग से या लोकेशन से बहुत बाद में होती है, एक्टर से बहुत बाद में होती है। फिल्म मेकिंग पहले यहां से होती है। तुम्हें कोई थॉट आया, तुमने उसको पेन डाउन किया, ठीक है, पेन डाउन करके तुमने उसको क्रिएट किया और आगे ले गए, फिर वो बना। ये बहुत बेसिक सी चीज है जो तुम लोग भी सोचते होगे। किसको स्क्रीन प्ले लिखने में किसको दिक्कत आ रही थी? हाँ, तो स्क्रीन प्ले क्या होता है? एक पन्ने पे तुमने एक स्टोरी लिखी और एक पन्ने पे स्क्रीन प्ले लिखा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? स्क्रीन प्ले का मतलब होता है स्क्रीन के लिए जो लिखा हुआ है, ठीक है। बेसिकली तुमने जब पेपर पे चीजें लिखी जो तुमने स्क्रीन के लिए लिख दी, जो तुमने लिखा है कि भाई डायलॉग्स क्या होंगे, डायलॉग के साथ साथ तुमने लिखा है कि उस जगह का एम्बियंस कैसा है, कैमरा मूवमेंट क्या होगा, ठीक है, वो सब चीजें जो तुमने लिखी, तो वो स्क्रीन प्ले वाली चीज है। और हार्ड एंड फास्ट रूल पूरी फिल्म मेकिंग में कहीं नहीं होता है। एक फिल्म जिसने फिल्म इंडस्ट्री चेंज करके रख दी थी, लास्ट अगर मैं 20-25 साल की बात करूं तो वो थी राम गोपाल वर्मा की सत्या। समझ रहे हो? एक फेज चल रहा था जब यश चोपड़ा जो फिल्में बनाते थे वो आती थी, रोमांस बॉलीवुड में बहुत ज्यादा चलता था, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा चलता था, है ना, बहुत ऐसी थोड़ी ऐसी पिक्चरें देखने को मिलती है, बड़े ड्रीमी सी होती थी, सेट्स होते थे, सब कुछ होता था। फिर एक फिल्म आई सत्या। सत्या ने क्या किया? उसने बिल्कुल गोरिल्ला टाइप शूटिंग करी, बिल्कुल ऐसे गंदी नाली है तो गंदी नाली ही दिखा रहे हैं, फिर वो है ना, बारिश हो रही है तो मुंबई की बारिश आपको फील हो रही है, ठीक। तो उस तरीके की फिल्म मेकिंग में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, दैट इज इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग। So, ये जो टर्म आप देख रहे हो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, यानी कि वो फिल्म मेकर जो अपनी फिल्म को पूरा करने के लिए बहुत कम पैसों में अपनी स्टोरी को क्रिएट करता है, खुद लिखता है, खुद एडिट करता है, ठीक है, खुद शूट करता है ना। तो अब तुम सोचो कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वैलिडेशन या ये वो ऐसा वैसा, पर अपने आर्ट, अपना किया हुआ कोई भी काम जब किसी ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसको बहुत सारे लोग देखते हैं तो अच्छा लगता है, है ना। तो ये फोटो मैंने खींची थी, बाला फिल्म रिलीज हुई थी और मैं फिल्म देख के लौट रहा था, तो मुझे एक जगह इसका ऐसा पोस्टर सिंगल स्क्रीन सिनेमा के उधर लगा हुआ मिला,
और मुझे सिंगल स्क्रीन सिनेमाज बहुत पसंद है। जैसे मैं कल भी जब झांसी आया तो अपना लेक्चर हो नहीं पाया तो मैं एलाइट सिनेमा देखने चला गया, क्योंकि मेरे को क्या है ना, अब मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं तो सिंगल स्क्रीन के मज़े आप ले नहीं पाते हो। जो चिल्ला चोट जो माहौल वहाँ होता है वो आप मज़े ले नहीं पाते हो, पर मेरे को वो पुराने सिंगल स्क्रीन बहुत पसंद है, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ का बहुत सारा फेज उन सिंगल स्क्रीन में पिक्चर देख के बिताया। तो ये फोटो मैंने ऐसे ही खींची थी कि मैं निकल रहा था, अब ये मैंने पोस्टर देखा, मैं एक जगह खड़ा हो गया और मैंने मेरा 70-200 सोनी का लेंस था, क्रॉप सेंसर, तो वो खींच के मैं देख रहा हूँ और मेरे दिमाग में ये आया, मैंने कहा कुछ इसमें बहुत इंटरेस्टिंग सा मिल सकता है, क्योंकि लोग ऐसे ऐसे निकल रहे थे। अब क्या हुआ, दूर से पिंक कलर की साइकिल पे एक रजनीकांत जैसा बंदा, अब वो आ रहा है और मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा ये अगर फिट हो गया तो भाई साहब मजे आ जाएंगे। और वो फोटो एडिटेड नहीं है, मॉफ्ड नहीं है, आप लोग देख सकते हो, इट्स अ प्योर कैंडिड शॉट। ठीक, हाँ, हाई स्पीड पे मैंने कैमरा उस पोजिशन पे रखा, खट 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 खट, और देखा तो वो शॉट मिल गया। उसके अगले दिन आयुष्मान खुराना ने फोटो पोस्ट कर दिया। अब ये फोटो उस तक कैसे पहुंचा मुझे नहीं पता है। हाँ, मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था। नहीं, टैग मतलब यार फोटो पे उस समय टैग कर दो तो पता थोड़ी चलता था, क्योंकि उसके तो कितने मिलियन में फॉलोअर्स थे। हाँ, तो अब क्या हुआ, मैं देख रहा हूँ इसकी वॉल पे फोटो डला हुआ है और उसमें कोई क्रेडिट नहीं, कुछ भी नहीं, और उसने एक वो कैप्शन डाल के लगा था कि अब ये फिल्म आप लोगों की, ऐसा कुछ करके बढ़िया सा कैप्शन लिखा था, मस्त था। मैं और मेरे सारे दोस्त एकदम हो गए, मैंने कहा यार ये क्या हुआ यार, एकदम अपन ने इतनी मेहनत से फोटो खींचा है, वो सही जगह पहुंच भी गया पर क्रेडिट ही नहीं मिल रहा। तो ये तो वैसी बात हो गई कि तुमने कुछ कर लिया अच्छा और डायरेक्टेड बाय ब्लैंक लिखा हुआ है कि किसने बनाई नहीं पता, है ना। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने उस फोटो के नीचे कमेंट डाले कि भाई क्रेडिट दो, क्रेडिट दो, क्रेडिट दो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इंस्टाग्राम की टीम को कॉल किया, जो उसका हेल्पलाइन नंबर रहता है, मैंने कहा यार ऐसा ऐसा हुआ है। वो लोग मुझसे बात कर ही रहे थे, इतने में मेरे को एक मैसेज आया कि भाई फोटो भेज सकते हो। मैं देखा किसका, मुझे आयुष्मान खुराना का। कोविड के थोड़े दिन पहले की बात है, बाला तभी रिलीज हुई थी। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या अपन जब अपनी लगन में, अपने जोन में काम करते रहते हैं ना, तो कब कुछ अच्छा हो जाता है पता नहीं चलता है। मेरी जॉब भी मुझे ऐसी ही मिली थी कि कुछ करते करते कुछ ऐसे फटाक से हो गया। क्यों? क्योंकि अपन काम कर रहे थे। छोटी वेडिंग से बड़ी वेडिंग्स पे स्विच भी ऐसे हो गया। क्यों? क्योंकि अपन काम कर रहे थे। तो अब भाई, अब तक अपनी बात हो गई फिल्म मेकिंग की, काम की, थॉट्स की, है ना, किसको फिल्म मेकिंग करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, उन चीजों की। पर देखो वही वाली बात है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, किन से बात कर रहे हो, किन से सीख रहे हो, है ना, और क्या चाहते हो। ये चीजें अगर क्लियर हैं तो तुम्हारे जो थॉट्स होंगे उनमें अपने आप क्लैरिटी आएगी, और वो क्लैरिटी अगर रहेगी तो तुम्हारा एक्सप्रेशन बहुत क्लियर रहेगा। ये फोटो खींचने से पहले मेरे को क्लैरिटी थी कि यहाँ ऐसा कुछ मिल सकता है। हजारों लोग इस पोस्टर के सामने से निकले होंगे, कई फोटोग्राफर्स भी निकले होंगे, है ना, आ जाओ भाई, कई फोटोग्राफर्स भी निकले होंगे, सब तो नहीं रुके, सबने तो नहीं वो किया। ऐसे ही मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कई फोटोग्राफर्स का अलग एक्सपीरियंस रहता है, वो लोग कुछ बहुत अच्छा कर देते हैं, कुछ बहुत कमाल का बना देते हैं, तो चीजें हो जाती है। मैं उसे बता रहा हूँ, मतलब मैंने तुम्हें बता दिया कि भाई पैसे नहीं होंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पर मैं तुम्हें ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कुछ चीजें हो भी जाती हैं। अभी हम लोग एक फीचर फिल्म बना रहे हैं, उसका नाम है दानव मानव, और हम लोग ने यही, मतलब मैं और मेरे जिस फ्रेंड का मैंने बताया, वो है, मैं हूँ, और 3-4 लोग हैं, हम लोग का मिलकर ये प्लान है कि उस फिल्म को कंप्लीट करके पूरी कोशिश करेंगे कि इसको हम किसी OTT को पिच करें या किसी अच्छे चैनल को सेल करें। क्योंकि भाई अब कब तक आप ऐसे ही मतलब गुर्बत में जीवन बिताते रहोगे, पैसा तो चाहिए ना, किसी और चीज के लिए नहीं तो दूसरी फिल्म बनाने के लिए तो पैसा चाहिए ना। वैसा तो अब अपन जो अपना लास्ट टॉपिक बोल लो या लास्ट फेज बोल लो, उस पे आते हैं कि क्या करें, जिसको फिल्म मेकिंग करनी हो क्या करें। लाइक अगर ये हो कि यार मुझे, तुम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको हो सकता है इंटरेस्ट हमेशा से रहा होगा, पर ये समझ में नहीं आता होगा कि करें क्या भाई, प्रैक्टिकली क्या करें। जिसको किताब लिखनी है वो एक कलम उठाएगा, एक
कॉपी लेगा, उस पर लिखना शुरू करेगा, फिर उस पूरी प्रोसेस में वो क्या करेगा, लिख लेगा, फिर एक किसी पब्लिकेशन हाउस के पास जाएगा, बोलेगा यार मैंने ऐसा ऐसा लिखा है, मैं इसको पब्लिश करना चाहता हूँ, या ई फॉर्म में उसको पब्लिश कर देगा, कुछ वो करेगा। तो यानी कि इंसान पहले काम करता है, फिर उस काम को लोगों के बीच में ले जाता है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि इंसान काम करता है फिर उस काम को लोगों के बीच में ले जाता है, तो फिर तुम ये समझो कि सबसे पहले तो ये सोचो कि तुम्हें फिल्म क्यों बनानी है, फिल्म क्या बनानी है, थॉट क्या है, ठीक। फिर ये सोचो कि क्या ये थॉट वाकई में इस लायक है कि इसे एग्जिस्ट करना चाहिए, ये कैसे सोचोगे। तो ये जो मापदंड वाली चीज होती है कैसी होती है कि मैं अगर अभी तेरे साथ खड़ा होऊंगा तब मुझे रियलाइज होगा कि मैं कितना ज्यादा मोटा हूं, समझ रहे हो। तो जब अपनी फिल्म को किसी बहुत अच्छी फिल्म के सामने रखोगे तो ये रियलाइज होगा कि अभी हम कितने ज्यादा पीछे हैं। पर उसके लिए ये समझना जरूरी है कि वो अच्छी फिल्म वाकई में है या नहीं है। ये कैसे समझोगे कि कोई फिल्म वाकई में अच्छी है या नहीं है? उसके लिए अच्छी एक्टिंग समझना जरूरी है, उसके लिए अच्छा डायरेक्शन समझना जरूरी है, उसके लिए अच्छा म्यूजिक समझना जरूरी है, उसके लिए अच्छी फोटोग्राफी समझना जरूरी है। ये कैसे समझोगे? वर्ल्ड सिनेमा क्या होता है? अलग अलग कंट्रीज का सिनेमा। तो सबसे पहले इंडिया का सिनेमा देखो, इंडिया में सिनेमा कहां से आया, सत्यजीत रे की फिल्में देखो, है ना? नहीं, गलत। पहले पढ़ो, मैं बोल रहा हूं पहले पढ़ो। मैं सिर्फ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, फिल्म मेकिंग की हिस्ट्री इंडिया में क्या रही है इसको पढ़ो। सत्यजीत रे का नाम मैंने अभी इसीलिए लिया, तुम पाथेर पंचाली एक बार देखो, हो सकता है तुम्हें पहली बार में वो फिल्म अच्छी ना लगे। पर अगर कोई चीज तुम्हें पहली बार में अच्छी नहीं लग रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज खराब है। हो सकता है अभी हम उतने बड़े नहीं हुए कि हम उस चीज को अच्छे से जज कर पाए, समझ पाए। पहले एक जमाना था जब साइलेंट फिल्म्स होती थी, है ना? फिर धीरे धीरे टॉकी आई भाई कि मतलब अब आपस में संवाद हो रहा है, वो बहुत एक रेवोल्यूशनरी चीज थी। उसके बाद भाई फिर और प्रोग्रेस हुई तो सीजीआई आ गया, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी आ गई, है ना? सीजीआई मतलब कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, ठीक। फिर अब तुम थोड़ा और जैसे आगे जा रहे हैं हम लोग तो वर्चुअल फिल्म मतलब आ जाएंगी थोड़े टाइम में, ठीक है। तो अब मुद्दा ये है कि ये चीजें तो बढ़ती रहेंगी, बट एक चीज जो कॉन्स्टेंट है वो क्या है? स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग पहले भी हो रही थी, स्टोरी टेलिंग आज भी हो रही है। लेव कुलशॉफ का नाम सुना है किसी ने? लेव कुलशॉफ, सो एक रशियन फिल्म मेकर था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एडिटिंग का एक एक्सपेरिमेंट है। तो उसमें उसने क्या करा कि एक कोई क्लिप ली, उसके साथ कोई दूसरी क्लिप जोड़ दी। एग्जाम्पल के तौर पर ले लो कि जैसे ये है, तुम दो लड़के हो, अब मैंने तेरा एक शॉट लिया हंसते हुए और दूसरा शॉट ले लिया कि ये गिरा हुआ है, तो वो शॉट क्या दिखाएगा कि ये गिर गया इसलिए हंस रहा है। सेम जगह मैंने दूसरी चीज क्या करी, ये हंस रहा है और मैंने दिखाया कि ये एक दूसरे लड़के को मार रहा है, तो अब ये चीज क्या दिखाएगी कि अरे यार कैसा इंसान है यार, वो उसको मार रहा है और ये हंस रहा है। तो इसका तो सेम शॉट था, ये तो हंस ही रहा था, पर इसके आगे एक शॉट लगा के मैंने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया। तो ये उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस तरीके से एडिटिंग प्रोग्रेस हुई है, बेबी स्टेप्स के थ्रू। तो आज जो स्टोरीज हम देख रहे हैं, तुम ये समझो कि असली जो इन्वेंटर्स थे वो तो बहुत कुछ करके चले गए। फिल्म मेकिंग मतलब मैं बार बार ऐसे फिल्म मेकिंग जब बोलता हूँ सीरियस हो जाता हूँ थोड़ा, इट इज वन ऑफ द ओनली आर्ट फॉर्म विच इज एन अमलगमेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म्स, डांस, म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी, ठीक है, एक्टिंग, सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल रही हैं और उन सब चीजों से मिलके सिनेमा बन रहा है, फिल्म बन रही है। तो आपको अपने सेंसेस को मैच्योर करना पड़ेगा, आपको अच्छा म्यूजिक सुनना पड़ेगा, और हर किस्म का म्यूजिक, तुम पॉप भी सुनो, तुम मतलब तुम रैप भी सुनो, तुम कल्चरल म्यूजिक मतलब तुम क्लासिकल म्यूजिक सब कुछ सुनो। क्योंकि अभी तो आज हम लोग इस रूम में बैठे हुए हैं, आज इस रूम में अगर हम कंपटीशन करेंगे तो हो सकता है तुम एक अच्छी फिल्म बना लो, तुम एक अच्छी फिल्म बना लो, तुम बना लो, और हो सकता है बाकी लोग नहीं बना पाए, ठीक है। पर आज से 6 महीने बाद हो सकता है तुम एक अच्छी फिल्म बना लो, ये लोग उतनी अच्छी फिल्म ना बना पाए। पर इस रूम से जब बाहर निकलोगे तो वहां तो तुम्हारे जैसे हजारों लोग हैं, उनके बीच में कम्पीट करोगे कैसे? ये तो एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है ना,
जब उन लोगों के बीच में जाओगे तो कैसे कम्पीट करोगे? आज तुम्हें और मुझे अगर 2 घंटे बात करनी हो तो चलो मैं उस किस्म का इंसान हूं कि मैं तो जानना चाहूंगा तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम कहां से आते हो, क्या करते हो, कैसे ये वो. बट जब तुम एक प्रोफेशनल स्ट्रीम में जाओगे तो वहां लोगों से क्या बातें करोगे? एग्जैक्टली. चीजें पढ़ी नहीं होंगी तो क्या बातें करोगे, चीजें देखी नहीं होंगी तो क्या बातें करोगे, समझ रहे हो? तो इसलिए अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. विच अगेन ब्रिंग्स मी टू दिस पॉइंट, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग. अपना अपना थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करो, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी फिल्में बनाओ. कैमरा नहीं है, मोबाइल से शूट करो. मशीन नहीं है, मोबाइल पे एडिट करो. पर कुछ क्रिएट करो अगर फिल्म मेकिंग पसंद है तो. भैया उसको वॉल्यूम थोड़ा सा कर दीजिए प्लीज, सॉरी साइलेंट कर लीजिए. ठीक है, तो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लो बट कुछ क्रिएट करो. फिर उसको क्रिएट करके उसको दूसरे लोगों से देखो कि भाई तुमने जो बनाया और उनने जो बनाया उसमें कितना डिफरेंस है. फिर अपनी फिल्में और अच्छे लेवल पे बनाओ. फिर उन फिल्मों को फिल्म फेस्टिवल्स में लेके जाओ. फिल्म फेस्टिवल्स में फिल्म को ले जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि तुम उस फेस्टिवल में जीतो ही जीतो, यही जरूरी नहीं. एक पैक्ड थिएटर में 100 लोगों के बीच में अपनी फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस जन्नत होता है. समझ रहे हो? तुम सोचो कि मैंने एक फिल्म बनाई यत्र तत्र, अब मैं एक थिएटर में लोगों के साथ बैठ के उस फिल्म को देख रहा हूँ. मैं जहां चाहता हूँ लोग वहां एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ओ अच्छा हाँ यहाँ ये सीन हुआ, अच्छा ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ. तो एज अ डायरेक्टर मैं तो सक्सेसफुल हो गया ना, क्योंकि मैं तुम्हें एक जर्नी पे ले जाना चाह रहा था, तुम उस जर्नी पे आ गए. यही तो है और क्या है. तो वो कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा. यूट्यूब पे फिल्म डालना एक बहुत सही चीज है, पर यूट्यूब पे उस लेवल पे पहुंचना जहां लोग हमें सीरियसली लें, ये कई बार बहुत ईजी हो सकता है और कई बार टफ हो सकता है. हो सकता है हमारी कोई इनिशियल फिल्म ही इतनी हिट कर जाए कि तुम्हारे पास बहुत अच्छी फॉलोइंग आ जाए. ये भी संभव है, बिल्कुल संभव है. आज की दुनिया में हर चीज संभव है अगर तुम्हारा काम अच्छा है तो. बट काम अच्छा होना बहुत जरूरी है. और हम लोगों का स्पेशली, जो हम छोटे शहर से जो लोग आते हैं ना, हमारा काम तो इसलिए अच्छा होना जरूरी क्योंकि हमारे पास बहुत कहानियां हैं. हमारे पास जितनी कहानियां हैं, मतलब भाई मैं वही बोल रहा हूँ ना, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अभी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी बनती हैं. ठीक है, वर्ल्ड सिनेमा में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हमेशा से बन रही हैं. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक फेज ऐसा भी आया था जब बहुत ही अजीब अजीब फिल्में बन रही थी, जो थोड़ी सी ऐसी, मतलब तुमने मिथुन चक्रवर्ती की वाली फिल्में देखी होंगी जिसमें मीम्स बनते हैं बहुत सारे, कि वो उड़ा और यूं किया और वो ये हो गया, वो है ना. तो पर उस फिल्म की भी ऑडियंस थी, पर वो हो गई, खत्म हो गई. आज के लोगों को क्या देखना है? अच्छी फिल्में देखनी है. सत्या तब भी अच्छी लगती थी लोगों को, सत्या आज भी लोगों को अच्छी लग रही है. 3 Idiots तुम तब के बच्चों को दिखा दो, आज के बच्चों को दिखा दो तो भी अच्छी लगेगी. एक बहुत नई फिल्म है, एक इंडिपेंडेंट फिल्म है, धुई. एक अचल, हाँ धुई, DHUIN, मूवी पे अवेलेबल है. एक अचल मिश्रा नाम है शायद उन फिल्म मेकर का, इफ आई एम नॉट श्योर. तो उनकी फिल्म है, वो कमाल की फिल्म है. कुछ 1.25 घंटे की फिल्म है, छोटी सी, कमाल की फिल्म है. तुम देखो, इट्स अ टाइमलेस फिल्म. तुम जब देखोगे तब तुम्हें अच्छी लगेगी. और सीधी सी बात बताओ, इरफान खान की कोई बुराई कर सकता है? तुमने उनका काम देखा हो नहीं देखा हो, पर उस आदमी की एक झलक भी, मतलब एक्टिंग के नाम पे तुमको हिला के रख देगी. मदारी वाला देख लो, पता है मदारी वाला. जबकि मदारी उसकी सबसे कम पॉपुलर फिल्म्स में से एक है. तुम मकबूल देखो यार, उसने क्या काम किया इंसान ने. लंच बॉक्स देखो, मतलब मजा ला दिया. जब उनकी डेथ हुई थी, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं कभी मिले नहीं, कभी कुछ नहीं हुआ, मैं रोया कि ऐसा लग रहा था कोई फैमिली मेंबर की डेथ हो गई हो. इतना ट्रू आर्टिस्ट. तो जो तुम बोल रहे हो वो रियलिटी है कि लोगों का इंटरेस्ट ये है, वो है, ऐसा वैसा है. पर जो असल में अच्छी चीज है ना, मुगले आजम टाइमलेस थी, वो टाइमलेस रहेगी. के आसिफ ने वो फिल्म कैसे बनाई है, उसमें क्या हुआ है, तुम ये पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा. तो मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एक बुक है नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग. ठीक है, तो उसमें तुमको काफी सारा DIY स्टफ मिल जाएगा कि भाई कम बजट में फिल्म कैसे बनाते हैं. चाहो तो उसको यूटिलाइज कर सकते हो, नट एंड बोल्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग. ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट्री है इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के ऊपर, दी अदर वे करके, यूट्यूब पे अवेलेबल है. चाहो तो वो भी देखना, मतलब इट्स अ वेरी गुड. पुरानी फिल्म है
जब YouTube उतना बड़ा नहीं हुआ था उस समय की फिल्म है, तो तुमको समझ में आएगा कि तब लोगों के रिस्ट्रिक्शंस क्या थे और आज रिस्ट्रिक्शंस क्या नहीं है. ठीक है, दी अदर वे. और अब्यूज वाली चीज का देखो, एक तुम्हें सिंपल सा वो बताता हूँ. जो रियलिस्टिक फिल्म मेकर्स होते हैं ना, अब जैसे उसको झांसी में नुक्कड़ पे जो बातचीत हो रही है, अगर वो दिखानी है तो वो अगर बहुत ऐसे साफ सुथरी भाषा दिखाएगा ना, तो तुम्हें मजा नहीं आएगा. समझो इस बात. अब वो लोकल भाषा साफ है, और यार फिल्म क्या है, सोसाइटी का रिफ्लेक्शन ही तो है. जो हम कर रहे हैं वही हमें दिख रहा है. मेरी तरफ से सेशन ऑलमोस्ट एंड पे है. रीजन बीइंग कि मैं सिर्फ तुम लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कहानियाँ हैं. ठीक, अपने आप को उतना ज़्यादा केपेबल बनाओ कि जब तुम, इसका बिल्कुल भी ये मतलब मत समझना कि आज हम किसी से कम हैं. ठीक है, पर कॉम्पिटेंस अंदर लाना पड़ेगा. कैसे लाना पड़ेगा, अगर तुम्हें लॉ करना है जैसे, तो तुम लॉ के बारे में पढ़ो, लॉ के बारे में समझो. उससे तुम्हारे अंदर कॉम्पिटेंस आएगा. उससे तुम, मेरे साथ हुआ है क्योंकि ऐसा, मैं डरता था कि अरे यार मैं बड़े बड़े जब इन लोगों के बीच में जाऊंगा तो मैं बात क्या करूंगा. मुझे आज भी कई बार मुंबई जाने से डर लगता है. मुझे लगता है कि अरे यार वहां जाके ऐसा तो नहीं होगा कि अरे यार मेरा काम अच्छा नहीं है, अरे यार ये नहीं है वो नहीं है. बट अब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि अपने काम पे भरोसा करना बहुत जरूरी है. और ये जब मुझे दूसरों ने भी बोला तो भी मुझे अच्छा लगा. इसीलिए वो हिम्मत आई कि भाई फेस्टिवल्स में अपनी फिल्में ले जाओ, लोगों को दिखाओ, लोगों से पूछो क्या है क्या नहीं है. समझ रहे हो? तो तुम लोग के अब जो क्वेश्चंस हो वो ले लेते हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो. नहीं हो तो मुझे बख्शो, मैं तुम्हें जल्दी से फिल्म दिखा देता हूँ. पढ़ लेना है सब कुछ जो भी लिखा हुआ. सिगरेट नहीं पीऊं या मैं सिर्फ इसलिए नहीं पीऊं क्योंकि तू नहीं चाहती कि मैं पीऊं. एंड यू नो इट कि मैं दिन की आधा सिगरेट नहीं पीता हूं. यार मैं हार्डली एक या हफ्ते में दो तीन सिगरेट पीता हूं. सतीश तुझे भी पता है कि मुझे पता है कि तू ज्यादा पीता है. तू दिन की 10 पी रहा है, मुझे पता है ये बात. और बात तू झूठ बोल रहा है मुझसे. या तू मुझे कंसीडर तो कर. मुझे पता है यू लव मी अ लॉट और तुझे भी पता है लव यू सो मच. साले बहाना बना रहा है. ये पीता था सर, लेकिन बताता है कि पता है
अच्छा इसकी मम्मी और श्वेता को अभी भी ये लगता है कि साला हफ्ते महीने में एक आध बार पूछता और इसीलिए उसको कोई कुछ बोलता नहीं है। और ठीक है ना यार, मतलब कई दिक्कत है उसमें, मुद्दा कुछ और है। अब ये कभी मेरे साथ बैठेगा और कभी फ्लो फ्लो में 10-12 पी ली तो मैं भी क्या ही बोलूंगा इसको। लेकिन जब आंटी पूछेंगी या श्वेता पूछेगी तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा 10 पी। अब ये तो इसका गिल्ट है भाई, उसने पी ली तो पी लिया, उसमें गिल्ट की बात कहां से है। बस इसको ये बोल के तो तुम उसको लेसन दे देते हो भाई। देख मेरी बात सुन, इसको लगता है थोड़ा सा कूल है, ठीक है। अरे हाथ में सिगरेट है, वो उगा रहे हैं तो कभी कभी सुन लेता है तेरी बात, वहीं से इसका गिल्ट शुरू हो जाता है। और सुन, इसके लिए बात और सिर्फ सिगरेट पीने ना पीने की नहीं, इसने और हमने मिलकर बनाया है आदतों का कॉकटेल। पेट ऐसे थोड़ी ना निकल गया इसका, मेरा तो नहीं निकला। और तू ठहरा कमजोर आदमी, तेरी वो सुनता नहीं, और जो कभी सुन ले तो तुम साला हम पर हावी हो जाते हो। देख ये तो उसका कॉल है ना, उसको किसकी सुनना है। अरे यार वो ये थोड़ी ना बोल रही है कि जाके मार दो किसी को। बोलेगी कि कैसे बेचारी की गई। अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ, और वो भी इसीलिए बोल रही है ना कि उसको ये सब पसंद नहीं है। ये आपके सामने तो हाँ हाँ कर देता लेकिन बाद में धनाधन फूकता है, और जब फूकता तो तुम इनके साथ होते हो, लेकिन बाद में मैं भी तो हूँ ना यार। कोई कुछ भी करता है तुमको क्या। अरे यार सही और गलत में तो कुछ होता है ना यार, मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि सिगरेट पीना गलत है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इतनी तो मत पी। मैंने उसको ये तो बोला नहीं कि तू दिन की 10 सिगरेट पी, मैंने बस उसको ये बोला कि तुझे पीनी हो तो पी। अब वो दिन की 10 पीता है या दिन की 20 पीता है ये तो उसकी मर्जी है ना। हाँ तुम बड़े समझदार। यार तू पी रहा है, दिक्कत वो नहीं है, पर तू मेरी बात कंसीडर ही नहीं कर रहा। तू बता, मैंने तुझे बोला था तब से तूने एक भी कम करी दिन की, और तू झूठ अलग बोलने लगा है आजकल। यार तेरे को लग रहा है मैं दिन की झूठ अलग बोल, तुझे पता है कि मुझे पता है, तू ये मत चालू करके अब तू झूठ बोलेगा मुझसे। दिस इज राइट। इस जगह को देख, चुप हो जा। अपन लोग इतने टाइम बाद ढंग से बैठे हैं, मैंने अगर एक सिगरेट पी ली इतनी सही जगह, क्या दिक्कत है। तू भी पीना मेरे साथ, ठीक है। ठीक है सही बात है यार, मत कर। नहीं ठीक है ना, सही बात है। एटलीस्ट अपन इस जगह को एंजॉय कर पाएंगे ना, मैं भी पी तू भी पी। इतनी अच्छी जगह है, मूड खराब कर रहा है तू मेरा। Thank you.
अजीब बात है, बीते हुए कल की सारी बातें यहाँ मुझे याद आ जाती हैं, पर वहाँ मुझे इस बीतने वाली रात की याद नहीं आती, इस नर्क की याद नहीं आती, बस दो शब्द याद रह जाते हैं, यत्र तत्र। उसने आखिरी बार मुझे बस ये कहा था, तुम भूलोक में उसी सपने से प्रवेश करोगे। आज 14 तारीख है, तुम 13 तारीख की सुबह 6:30 बजे वहां उठोगे। तुम्हारे उठते ही तुम्हारी मौत का समय निश्चित कर दिया जाएगा। अगर तुम कुछ नहीं बदल पाए तो 10:30 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारी मृत्यु का कारण सुना सुना लग रहा है ना। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम मेरी बात समझ पाए तो ठीक, वरना तुम यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। तुम सेपियंस पढ़ रहे हो, यहां सिगरेट खरीदना है। 9 बजे तक तुम्हारी ये सिगरेट खत्म हो जाएगी, उसके बाद तुम सिगरेट ढूंढोगे, तुम्हें जींस के जेब में मिलेगी। तुम जैसे सिगरेट पियोगे तुम्हें बहुत जोर से प्यास लगेगी, तुम पानी पियोगे और तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ जाएगी और तुम मर जाओगे। Skies and this will even be the problem.
बहुत सारे सवाल होंगे मन में। नरक में अब जगह बची नहीं थी, उस सवाल के लायक कोई नहीं बचा। तभी यमराज ने एक व्यवस्था स्थापित की, यत्र तत्र, जिससे उन्हें वक्त मिल सके नरक को और बड़ा करने, ताकि संतुलन स्थापित हो सके। जो लोग बुरे थे वो अभी भी नरक में ही जा रहे थे, पर कुछ लोग ऐसे थे जो न स्वर्ग के लायक थे न नरक के लायक। तब यमराज ने चित्रगुप्त से बोला कि ऐसे लोगों को एक और मौका देना चाहिए, ऐसे लोग जिनसे उम्मीद की जा सकती है, ऐसे लोग जो अपनी गलतियां सुधारने में सक्षम। तब यमराज ने कालों के काल महाकाल की मदद से दो समय बिंदु स्थापित किए और उन दो समय बिंदुओं के बीच ऐसे लोगों को भटकने के लिए छोड़ दिया। कुछ समय तक सब ठीक चला, संतुलन भी आने लगा, नरक में गिनती भी कम होने लगी। मगर फिर शैतान ने भूलोक के कुछ लोगों से सौदा करना शुरू कर दिया और कुछ लोग अपनी गलतियां सुधारने में अक्षम निकले। फिर यमराज ने कुछ दूतों को चुना और ऐसे लोगों की मदद के लिए नीचे भेज दिया। और शैतान तो आगे होता ही जा रहा है। मैं जिब्रान, मुझे तुम और तुम्हारे जैसे लोगों की मदद के लिए यहाँ भेजा गया, जो खुद जिब्रान बनने की कुवत रखता है। और यम भी ऐसे लोगों को बहुत मौका देता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो पिछले 10 सालों से तुम एक ही दिन में जी रहे थे। अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं? क्योंकि वो अभी तक तुम्हारे साथ हुआ नहीं। जिब्रान की बात ना मानने के कुछ कारण थे मेरे पास, पर उसकी बात पे भरोसा करने के अनगिनत। उस दिन वहां श्वेता नहीं थी, मैं अकेला था और शैतान ने मुझे एक संभावना दिखाई। और तब मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि अगर मेरी खुद इच्छा हुई इसे छोड़ने की तो मैं क्या करूंगा।